बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू द साइंस क्लास 8। सो डियर स्टूडेंट्स, ओपिनियन बुक पेज नंबर 10, वी हैव ऑलरेडी डन 9 पेजेस इन प्रीवियस क्लासेस फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक व्हिच इज कन्वर्जिंग एनर्जी। कन्वर्जिंग एनर्जी, सो डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्टिंग एनर्जी कि एनर्जी अपने फॉर्म को किस तरह से चेंज करती है। अगर वो काइनेटिक एनर्जी है तो वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है, अगर वो पोटेंशियल एनर्जी है तो वो रेडिएंट एनर्जी में चेंज होती है, अगर वो रेडिएंट एनर्जी है तो वो आगे से चेंज होती रहती है। फॉर्म किसकी? एनर्जी की। तो इसकी फॉर्म, सो एंड दिस इज वे एनर्जी विल कीप ऑन द चेंज इट्स फॉर्म, इट्स चेंजिंग इट्स शेप एंड फॉर्म ऑल्सो। ओके, लेट्स वी रीडिंग हियर। कन्वर्टिंग एनर्जी, When work is done, energy is used. However, this energy doesn't just disappear, changes or converts from one type of or another type. This is sometimes called an energy chain. So dear students, it means कि जब आप कोई work करते हो, किसी भी चीज़ को apply force apply करके existing से move करते हो, तो उसमें कोई action करते हो, what is required? एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। तो कोई भी आप वर्क करते हो, कोई एक्शन करते हो, कोई फोर्स अप्लाई करते हो, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, एनर्जी इज़ यूज्ड। और इस एनर्जी का हम जो है कह रहे हैं वो अपना फॉर्म जो है वो चेंज करती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो वो चेंज फॉर्म होता है तो एक पूरी चेन बनती है, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पर एक पूरी चेन बन रही है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इस कॉल्ड है, दिस इज समटाइम्स कॉल्ड है एनर्जी चेन। तो डियर स्टूडेंट्स, जब एक एक्शन का एनर्जी का फॉर्म चेंज किया तो दूसरा एक्शन किया तो वो पोटेंशियल एनर्जी बन गई। ऐसे ही जो है ये एनर्जी के टाइप्स जो है चेंज होते रहते हैं, मींस केमिकल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो एक ही होती है। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स सी, यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं। नंबर फर्स्ट, केमिकल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन मसल्स। केमिकल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन मसल्स। सबसे पहले आपके बॉडी या आपके आर्म से जब बाल को थ्रो करोगे, वो कौन सी एनर्जी है आपके मसल्स के अंदर होगी, वो क्या है? केमिकल एनर्जी। आपके मसल्स के अंदर के कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। हमारी बॉडी में केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो केमिकल रिएक्शंस की वजह से प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी यूज़ हो रही है एंड अपना फॉर्म जो है वो चेंज कर रही है। देन इट विल बिकम काइनेटिक एनर्जी। केमिकल से क्या कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में देखते हैं, बाल मूव्स अपवर्ड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आप सेकंड में देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसे हो गई। बाल जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, आपने देखा थोड़ा वो मूव करेगा, बाल जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा क्योंकि आपने जब उसे थ्रो किया तो आपके हाथ के मसल्स की केमिकल एनर्जी यूज़ करके हाथ के मसल्स की जो है आपने जो है केमिकल एनर्जी यूज़ करके थ्रो किया तो वो बाल जो है मूव्स अपवर्ड्स हो गया। तो ये क्या हो गया? हमने काइनेटिक एनर्जी यूज़ की, दिस इज़ अ काइनेटिक एनर्जी। एंड देन बाल एट हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी। तो एक चीज़ जो है वो पोजीशन की वजह से मूव करे, उसकी पोजीशन चेंज हो एक से जगह से दूसरी जगह तक, तो वो क्या हो गई हमारी? पोटेंशियल एनर्जी। आफ्टर दैट बाल फॉल्स टू ग्राउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बाल जो है वापस गिरना शुरू हो गया। व्हेन इट्स कम बैक डाउन, तो वो क्या कर रहा है? इट्स मोशन, इट्स अ मूविंग, इट्स अ मूविंग। और इसे हम क्या कहते हैं? इट्स अ काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन करे, मूव करे, दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इज काइनेटिक एनर्जी। एंड लास्ट स्टेज, व्हेन द बॉल हिट्स वॉल, तब उसमें क्या होगा? उसमें कौन सी एनर्जी होगी? थर्मल एनर्जी, मीन्स पार्टिकल्स की मूविंग होगी, दोनों तरफ, दोनों के अंदर में हीट एनर्जी आ जाएगी, दिस इज थर्मल एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने प्रोसेस देखा एनर्जी कैसे जो है वो कन्वर्ट हो रही है, जैसे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। हमने बाल को जो है मूव किया थोड़ा जो है अपवर्ड, तो वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी अपवर्ड, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है हाईएस्ट पॉइंट में बन गई, तो वो हमारी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद जो है बाल फिर से वो नीचे आ गया, उसमें मूवमेंट हो गई, उसमें मोशन आ गई, तो इस क्या है? काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद बाल हिट्स जो है वॉल पे, बाल जाके लगा
तो वो क्या है हमारी, उसमें हीट एनर्जी पैदा हो गई, पार्टिकल्स की मूविंग हो गई हीट में, वो क्या है हमारी थर्मल एनर्जी। जैसे यहाँ पे चेन देख रहे हैं, एनर्जी चेन, तो डिस्टेंस यहाँ पे भी सेम ही लिखा है। व्हेन द क्रिकेट बॉल हिट्स द वॉल, यहाँ पे सेम थर्मल एनर्जी का लिखा है, द पार्टिकल्स इन द बॉल एंड इन द वॉल मूव फास्टर इन द वे काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थर्मल इनटू काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू थर्मल एनर्जी। ओके, ऑल एनर्जी चेन इवेंट्स एंड्स अप विद एनर्जी बीइंग वेस्टेड एट हीट व्हिच इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जो एनर्जी वो रिलीज किसमें होगी, एटमॉस्फेयर में। हाउ एवर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग हीट ऑलवेज स्टे द सेम, तो जो टोटल अमाउंट होगा हीट का इंटेंसिटी होगी वो ऑलवेज सेम होगी। तो ये सब जो है ये सब हमें कहाँ ले जा रहे हैं, ला, एक लॉ की तरफ ले जा रहे हैं। ओके, वो कौन सा लॉ है, दिस इज अ लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, एनर्जी कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू इन अदर फॉर्म। ये क्या कह रहे हैं हमें, मीन्स एनर्जी जो है वो कभी भी आप स्टार्ट या क्रिएट नहीं कर सकते या उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ उसके फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। तो एनर्जी कभी भी स्टार्ट या क्रिएट हम नहीं करते, उसके फॉर्म जो है एनर्जी का फॉर्म वो जो है चेंज होती रहेगी। एनर्जी का फॉर्म कौन सा, मींस केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड सम मोर, जैसे हमने ये पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ कन्वर्जिंग एनर्जी। इंशाल्लाह आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में एनर्जी कन्वर्ट्स। तो आज आपका होमवर्क है, ये आपको पढ़ना है, इनको पढ़ के ये पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। उसके बाद जो है नंबर फर्स्ट जो है पेज हमने वर्क पढ़ा था, सेकंड पेज जो है वर्क एंड एनर्जी जो है हमारा फर्स्ट है लेसन वर्क। इसके क्वेश्चन आंसर आपको याद करके मुझे वॉइस नोट पे बताने हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये लिखकर वॉइस नोट पे मुझे दिखाने और वॉइस नोट पे बताने हैं याद करके। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।